अगर आपको फ्रीक्वेंटली बैक पेन होता है तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बैक पेन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्टिविटी रिलेटेड बैक पेन, इसमें आपको कोई एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी करने में पेन होता है या उठने बैठने चलने में पेन होता है। यहाँ पे वो एक्टिविटी जब हम बंद कर देते हैं तो आपको आराम हो जाता है। लेकिन द अदर इज़ योर रेस्ट रिलेटेड बैक पेन। ये बैक पेन जब होता है जब आप रेस्ट पे जाते हैं, यानी आप पूरे दिन काम करेंगे चलेंगे फिरेंगे तो आपको कोई पेन नहीं होगा, लेकिन आप जब रेस्ट करेंगे तो आपको पेन होगा। इसके लिए ये इसका कारण हो सकता है जैसे कि आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस या फिर आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी आ। तो यहाँ पे जब जांच के द्वारा ये पता लगाते हैं हम लोग कि किस कारण से और किस कमी से हो रहा है और उस पर वर्क किया जाता है, तो देन यू विल हैव द बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टाइम और आपका ये बैक पेन कम हो जाता है। तो आप डिसाइड करिए आपका बैक पेन कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है एंड आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। थैंक यू सो मच।